नमस्कार, आज मेथी मलाई मटर बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मेथी मलाई मटर बनाने के लिए सबसे पहले एक बंच मेथी मैंने ली है, नमक टेस्ट के हिसाब से, जीरा लिया है साबुत जीरा लगभग आधा चम्मच, एक कप दूध लिया है, दो चम्मच तेल लिया है, गरम मसाला पाउडर है लगभग एक चम्मच, और ये खसखस की पेस्ट है, ये मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसे बनानी है। दो चम्मच मलाई है, ताज़ी मलाई या क्रीम ले सकते हैं आप। एक प्याज बारीक बारीक मैंने इसको पेस्ट बना लिया है, बारीक बारीक काट के, और मिक्सी के अंदर दो तीन चम्मच पानी डाल के और इसको एकदम बारीक पीस लिया है। ये मटर के दाने हैं लगभग तीन चार चम्मच हैं, आधा चम्मच साबुत दाने चीनी के, और ये अदरक और लहसुन का मैंने क्रश कर लिया है, इसको कूट लिया है सिलबट्टे के ऊपर। ये काजू, दो चम्मच काजू, दो हरी मिर्ची, मगज़ के बीज हैं दो चम्मच, खसखस है दो चम्मच, खसखस, मगज़ के बीज और काजू को मैंने एक घंटा भिगोया, लगभग आधा कप पानी में मैंने भिगो दिया, और भीगने के बाद में मिक्सी में हरी मिर्च के साथ में चारों चीज़ों को पीस लिया है, तो उसकी ये पेस्ट है मेरे पास जो खसखस की पेस्ट मैंने बनाई है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले मेथी को साफ करेंगे और इसको काटेंगे। इसके सिर्फ पत्ते हमें चाहिए, तो इस तरीके से पत्ते पत्ते इसके तोड़ते जाएं। इस तरीके से मेथी को साफ कर लेंगे। ये मेथी साफ कर ली है और अब इस तरीके से थोड़ी थोड़ी मेथी लेके और इसको काट लेंगे, बारीक बारीक इसको काट लेंगे। वैसे तो सब्जी वाले भी आजकल मशीन रखते हैं, अगर आप कटवाना चाहें तो मार्केट से भी कटी कटाई आपको मिल जाएगी। घर पे काटने का यही फायदा है, कई बार वो बीच में घास भी और खराब जो पत्ते होते हैं उनको भी बीच में ही काट देते हैं। और काटने के बाद में इसमें डालेंगे साफ पानी, अच्छे से इसको धोना है और हाथ से इसको दबा देंगे। अच्छे से डुबो दे पत्तों को और इसको छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट तक, ताकि थोड़ी बहुत मिट्टी हो तो वो नीचे बैठ जाए। चलिए अब शुरू करते हैं, गैस ऑन करेंगे और एक पैन के अंदर डालेंगे सबसे पहले तेल, और तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद में डाल देंगे जीरा, और जीरे को भूनना है। जीरा हमारा भून चुका है, अब इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने ये कूट के रखा हुआ है, ये इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा सा इसको भूनना है, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, और इसके बाद में डालेंगे ये प्याज की पेस्ट। और इसको भून लेंगे। इसको लगभग फुल आंच पे एक से दो मिनट तक भूनना है, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए प्याज का। प्याज हमारा भून चुका है और अब इसमें डालेंगे खसखस की पेस्ट। इसको जिस पानी में आप सोक करें उसी पानी के साथ में ही पीस लें। अच्छे से मिक्स करें और इसको भी थोड़ा सा भूनेंगे। गैस को एकदम कम करेंगे और ये मेथी डालेंगे, और इस तरीके से अच्छे से इसका पानी झाड़ लें, ऊपर से बस पत्ते पत्ते इसके ले लें और सीधा पैन के अंदर डालते जाएं।
और साथ में डाल देंगे दूध इसके अंदर। गैस को तेज करेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, और अच्छे से मिक्स करने के बाद में साथ में डालेंगे मटर के दाने और साथ साथ मिक्स करते रहें। और अब डालेंगे इसमें मसाले। सबसे पहले डालेंगे नमक इसके अंदर, टेस्ट के हिसाब से डालें। गरम मसाला, चीनी, और अच्छे से अब मिक्स करेंगे इसको। इसमें लाल मिर्च और हल्दी पाउडर मैं नहीं डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और गैस कम करके ढक्कन लगा के इसको पकने देंगे, जब तक मटर हमारी सॉफ्ट हो जाए, मेथी पक जाए थोड़ी। लगभग 3 से 4 मिनट लगते हैं, तो गैस को एकदम कम करेंगे और ढक्कन लगा के इसको पकने देंगे। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले अच्छे से इसको मिक्स करें। एक मटर का दाना निकाल के चेक कर लें, ये देखिए अच्छे से टूट रहा है, मैश हो रहा है, इसका मतलब सब्जी हमारी पक चुकी है। आखिर में डालेंगे इसके अंदर मलाई, थोड़ा सा चम्मच से इसको फेंट लें। और फेंट के डालें इसको, एक बार फिर से मिक्स करें और गैस बंद कर दें। इसमें यही ध्यान रखना है, मलाई को एकदम आखिर में डालें। ये लीजिए, एकदम बढ़िया सी सब्जी हमारी तैयार हो गई है। गैस बंद करते हैं और सर्व करेंगे। लीजिए, सर्दी के मौसम में मेथी मटर मलाई एंजॉय करें, और ऊपर से आप चाहें तो घी या मक्खन इसके ऊपर रख सकते हैं।